चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में सांड का आतंक अब तक कई लोगों पर कर चुका है हमला। हमले में कई लोग हो चुके हैं घायल। आपको बताते चलें कि पूरा मामला जनपद संभल की चंदौसी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर एक सांड का खौफ लोगों में दिखाई दे रहा है। इस सांड के विषय में रहने वाले स्थानीय निवासी सुरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि यह सांड पूर्व में भी कई लोगों पर हमला कर घायल कर चुका है। इसने मुझ पर भी हमला कर घायल कर दिया है, जिससे मुझे कई जगह चोट आई है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिससे आगे चलकर यह आवारा पशु किसी भी व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए हम नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी से मांग करते हैं कि इस आवारा पशु को पकड़वा कर किसी गौशाला ये जंगल में छुड़वा दें, जिससे लोग सुरक्षित रह सकें। सुरेश चंद्र शर्मा, क्या हुआ आपके साथ? मैं अपने गेट के सामने खड़ा हुआ था, तो एक सांड है चितकबरा रंग का, काला सफेद सा, वो एकदम वहीं पर अक्सर बैठता रहता है और रोड के ऊपर काफी लोगों पर हमला कर चुका है, ई रिक्शा और वैसे लोगों पर भी। तो जैसे ही मैं बाहर को निकला, जैसे ही निकलने को हुआ, तो तुरंत एकदम वो उठ के आ गया और मेरे ऊपर उसने हमला कर दिया जबरदस्त तरीके से। चोट लगी आपके? मेरे सीने में बहुत ज्यादा चोट है, हिप के ऊपर बहुत ज्यादा चोट है, सीने पर काफी चोट है ऊपर, और आज ही पट्टी खुलवाई है मैंने उसकी डॉक्टर साहब से कई दिनों से ये, और हिप पर उस पर बहुत चोट है, जगह जगह चोट है उसकी। उसने मुझे उठा के पटक दिया और पटकने के बाद फिर मिसिज और उन्होंने जब बेटी ने हल्ला मचाया तो कई लोग आ गए, और उसके बाद में जो इस संबंध में आपने संबंधित अधिकारी से शिकायत की? मैंने इस संबंध में ईओ साहब जो नगर पालिका को एक इसको पकड़वाने के संबंध में उनको शिकायत दे दी है, लेटर रिसीव करा दिया है, और जो मेरे वार्ड नंबर 6 से जो मेरे वो हैं इसके सभासद, उनको भी लेटर रिसीव करा दिया है, और दूसरों के माध्यम से अभी जो नगर पालिका के अध्यक्ष जी को भी भेजा। इस बाजार में आप पे हमला किया और लोगों पे भी हमला किया है? मेरा पास वीडियो भी मैं है, मैं आपको वीडियो भी इसकी आपको दे रहा हूँ औरों का हमले की, और कई उसमें फोटो उसके इस तरह के हैं, जिन्हें कितने लोग उसने चोटिल कर दिए हैं। आपके जो स्कूटी मोटरसाइकिल ई रिक्शा, यहाँ तक के गली में अखबार वाले और फल सब्जी वाले तक का आना तक तो दुर्भर है उसकी वजह से। हम तो ये चाहते हैं कि इसको यहाँ से पकड़वा के कहीं किसी गौशाला में छोड़े या जहाँ भी छोड़े प्रशासन, लेकिन यहाँ से उसको हटाया जाए, नहीं तो किसी दिन जानलेवा हमला किसी और पर कर देगा। भगवान की कृपा से चलो मैं बच गया, और हो सकता है और कोई ना बच पावे। जिस दिन और कोई किसी पर हमला कर दिया ऐसा, तो हो सकता है बेचारे की जान चली जाए किसी को।